कि गंगा जी का जल दो तीन दिनों से काफ़ी रफ्तार में बढ़ रहा है और जब निश्चित तौर पर गंगा जी बढ़ती हैं तो इलाहाबाद में खुशहाली आती है और बड़े हनुमान जी जब नहा लेते हैं तो अच्छा संदेश जाता है, क्योंकि अगले वर्ष 2019 में कुंभ मेला है तो बजरंगबली निश्चित तौर पे नहाएंगे। फिर आगे तक था, हम लोग काफ़ी टाइम के बाद आए तो ये सोच रखा था कि प्रशासन ने पहले से, क्योंकि हर साल बाढ़ आती तो उन लोगों ने सोच रखा होगा कि कुछ इंतज़ाम किया जाए, बट जितना हमने सोचा था वैसा इंतज़ाम कोई खास है नहीं, काफ़ी दिक्कत हुई लेकिन ठीक है। और मोर ओवर मतलब यहाँ पे जितना प्रशासन जितना बड़ी बड़ी बातें होती उतना वैसा हमें कुछ दिखने को मिल नहीं रहा है, बट देखिए आगे कुंभ आने वाला तो शायद उसके लिए कुछ अच्छा हो जाए। तो प्रतीक वर्मा, गंगा आती है और खुद हनुमान जी को जो है स्नान कराती है, इस बार भी जो है पार्क तक पानी पहुंच गया है, किस तरह आप लोग? देखिए ये गंगा मैया की अद्भुत कृपा है, हनुमान जी की शक्ति है। हम तीन दिन पहले यही सोच रहे थे गंगा जी इस बार स्नान कराने आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन दो दिन में जो चमत्कार हुआ है और गंगा जी का जलस्तर जमुना जी का जलस्तर एक वृद्धि हुई है, लगभग मुझे लगता है जो वृद्धि चल रही है अगर ये वृद्धि होती रही तो कल सुबह तक गंगा जी हनुमान जी को स्नान करा देंगे। या देखिए ऐसा होता है, अगर हम कहें तो जब श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि जाके आप गंगा जी में संगम तट पर आराम करिए, तो उन्होंने कहा गंगा जी आज यहाँ कल वहाँ रहेंगी, तो शंकर जी प्रकट हुए थे और भगवान हनुमान जी शंकर के रुद्र अवतार हैं, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि मैं गंगा जी कहीं रहेंगी आपको स्नान कराने जरूर आएंगी। इसी परंपरा का सर बहुत दिन से पालन होता चला रहा है। एक होता है अगर किसी वर्ष नहीं भी आती हैं तो वो अगर तीसरे दिन चौथे जो भी आती हैं, तो लगभग तीन बार आई थी, आपको याद होगा 2014 में लगभग गंगा जी तीन बार आई थी, तो जो उनका गैप होता है वो पूरा कर लेती हैं। मुझे पूरा विश्वास है गंगा मैया का स्नान हनुमान जी जरूर करेंगे और कल सुबह तक